दोस्तों, जैसे कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आज हम 2 चम्मच घी से कम बजट में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो मैंने मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही मिल्क पाउडर का और ना ही इसके लिए कोई चाशनी बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 चम्मच घी से 2 सामग्री से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बेसन के पेड़े। बेसन के टेस्टी पेड़े बनाने के लिए एक भारी तले की कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। इस टेस्टी मिठाई को हम सिर्फ 2 चम्मच घी से ही बनाएंगे। घी मेल्ट होने पर इसमें बेसन डाल लें। सिलो आंच पर बेसन को लगातार चलाते हुए भून लें, क्योंकि हमने बेसन को भूनने के लिए घी कम डाला है, इसीलिए गैस की आंच को सिलो ही रखें और बेसन को लगातार चलाते रहें ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। इस मिठाई को बनाने की सारी मेहनत बेसन भूनने में होती है, क्योंकि हमने बेसन को भूनने के लिए सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम बेसन को लगातार चलाते हुए हल्की आंच पर भून लेंगे ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। अगर हमारा बेसन जल गया तो हमारी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, मुझे बेसन को भूनते हुए 12 मिनट हो गए हैं और अब हमारा बेसन अच्छे से भून गया है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा डाल दूँगी। नारियल का बुरादा डालकर इसे लगातार चलाते हुए भून लें ताकि हमारे नारियल का बुरादा भी हल्का सा भून जाए। नारियल डालकर मुझे इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमारा नारियल बेसन के साथ अच्छे से भून गया है। ये देखिए, ये मैंने 1 कप दूध लिया है। अब हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा दूध और ले लेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे चलाते हुए मिला लें। गैस की आँच को एकदम स्लो रखें। मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है, लेकिन इसमें अभी दूध कम है। मैंने ये 1/2 कप दूध और लिया है। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दें और चलाते हुए मिला लें। दूध को बेसन में चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मेरा इसमें टोटल 1.5 कप दूध डला है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें कलर के लिए मैं इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन कलर डालने से मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल दें। छोटी इलायची पाउडर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब हमें इसे डो की कंसिस्टेंसी आने तक चलाते हुए पकाना है। गैस की आंच को स्लो ही रखें, उसे लगातार चलाते हुए पका लें। ये देखिए, हमारी मिठाई का मिश्रण एकदम डो की तरह से हो गया है। अब हम इसे 1 मिनट और चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसकी गोली बना लेंगे। ये देखिए, इसकी गोली बहुत ही आसानी से बन गई। इसका मतलब है हमारा मिश्रण मिठाई बनाने के लिए एकदम तैयार है। गैस को बंद कर दें। अब हम इस मिश्रण को 1 बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, जब हमारा मिश्रण इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ से अच्छे से छू लें, तो फिर हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालकर हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, जब तक कि हमारी चीनी और मिश्रण एक जान न हो जाए। ये देखिए, चीनी मिलाने के बाद हमारा मिश्रण थोड़ा पतला हो गया है। चीनी डालते समय एक बात का खास ध्यान रखें, जब हमारा बेसन का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी चीनी मिलाएं। अगर आपने गर्म मिश्रण में चीनी मिला दी तो वो पतला हो जाएगा। हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लें। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसके पेड़े बना लेंगे। इसको इस तरह से करते हुए गोल कर लें। ये देखिए, मैंने इसे पूरा गोल कर लिया है। अब हथेली की मदद से इसे हल्के से प्रेस कर दें और इस तरह से करते हुए इसे पेड़े की शेप दे लें। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सभी पेड़े बनकर तैयार है। इनको एकदम मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं इन्हें चांदी के वर्क और पिस्ते से सजाऊंगी। ये देखिए, मैंने पेड़े को चांदी के वर्क, बादाम और पिस्ते से सजा लिया है। आप पेड़ों को अपनी पसंद अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं। 2 ही सामग्री से हमने कितने अच्छे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए।